गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज आर्यन्द्रपाल गंगवार। आई टीच यू आर्टिकल ए एन दी, क्लास सेकेंड का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल होते क्या हैं और इनका यूज कैसे होता है। हम हर जगह आर्टिकल का यूज कर देते हैं, आर्टिकल हमें विशेष मालूम नहीं होता आर्टिकल कौन से होते हैं। आर्टिकल हमारे ए एन दी होती हैं, तीन आर्टिकल्स होती हैं, ए एन और द। लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, होते नहीं 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें पांच वोवेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन इनमें जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम ए का यूज करते हैं, जबकि वोवेल के साथ हम एन का यूज करते हैं। बट होता क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका रूल्स के अकॉर्डिंग होता तो वोवेल है लेकिन साउंड जो वो कॉन्सोनेंट्स का देता है, होता कॉन्सोनेंट्स है और जो साउंड है वो वोवेल की देता है। ऐसी जगह हम क्या यूज करना चाहिए, दी का यूज हम जहाँ मन चाहें वहाँ हम दी लगा देते हैं। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, हम ऐसा नहीं, हम जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ उसका यूज करेंगे। तो दी तो होता है हमारा डिफाइन आर्टिकल, और जो हमारे ए और एन है वो इंडिफाइन आर्टिकल होते हैं। हमारे ये दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। तो पहले आता है हमारा ए और एन की बात आती है कि ए और एन कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले ए और एन का यूज हम किस तरह से करेंगे। लेटर्स ए ई आई ओ यू जो हैं वोवेल होते हैं, जबकि ए एन और द जो हैं तीनों आर्टिकल कहलाते हैं, ये बताया हमने। लेकिन इनका यूज कहाँ करते हैं, इनका यूज जो है हम आर्टिकल के रूप में यूज इनका नाउन की जगह करते हैं। नाउन होता है वहाँ पर इनका यूज करते हैं, नाउन के स्थान पर इनका यूज करते हैं। ए एन आर प्लेस्ड बिफोर कॉन्सोनेंट नाउन इन द सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर नंबर जो होते हैं हमारे उनके साथ, सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन के साथ तो ए एन का यूज करेंगे हम, ऐसा तो नहीं कि प्लूलर उसके साथ यूज कर देंगे। सिंगुलर पर्सन के साथ हम ए और एन का यूज करेंगे। ए एन, ए एंड एन आर प्लेस्ड बिफोर कॉन्स्टेबल नाउन इन दी सिंगुलर नंबर। ये कांस्टेबल नाउन होते हैं, ये कैसे नाउन होते हैं, कांस्टेबल नाउन होते हैं। एक होता है केवल इसमें, एक जिसमें एक चीज़ हो, केवल एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक किसी भी एक का वर्णन होता है, तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं उसका देखिएगा। यदि वर्ड्स वोवेल से शुरू होता है, किससे, ए ई आई ओ यू से अगर शुरू होता है वर्ड कोई भी शब्द, तो हम क्या करते हैं यूज, एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। एन अम्ब्रेला, एन इंकपॉट, एन एलिफेंट, एन एप्पल, ये हम यूज करते आ रहे हैं। एन सी एल के जी यू के जी से भी हम आपको सिखाया जाता है, सिखाया जाता नहीं सिखाया जाता है फर्स्ट में भी। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको देखने में तो लगते हैं, पहला वर्ड्स आपने देखा कि जो है ये वोवेल है, सर ने कहा था कि वोवेल है, वोवेल होगा तो वोवेल के साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन नहीं, इनके हिंदी उच्चारण भी हमें देखना होता है कि हिंदी उच्चारण क्या कह रहा है। हिंदी उच्चारण में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है हम एन का यूज ना करके ए का यूज करते हैं, लेकिन देखने में क्या लगता है, वोवेल लगता है। जैसे बी यूज ए बिफोर वर्ड्स विंगिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन ए का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स होता है वहाँ किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, करते हैं। लेकिन हमारे वर्ड्स, जैसे एक हमने वर्ड्स लिया, हमने यूनिवर्सिटी, क्या वर्ड लिया, यूनिवर्सिटी, जो हिंदी उच्चारण में यू की आवाज़ करे, किसकी आवाज़ करे, ध्यान से सुनना, यू की आवाज़ करे, यू हिंदी उच्चारण में यदि यू की आवाज़ आती है, इंग्लिश में तो यू आ ही रहा है, इंग्लिश से नहीं मतलब है, हिंदी से मतलब है, हिंदी में अगर यू की आवाज़ आती है, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिफार्म, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं, ना कि एन का। अंडरस्टैंड, ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। कहाँ, जहाँ पर आवाज़ किसकी होगी, यू की आवाज़ होगी हिंदी उच्चारण में, तो वहाँ हम एक जो है ए को यूज करेंगे। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म, ए यूनियन, अंडरस्टैंड। ऐसे ही कॉन्सोनेंट्स तो आपको मालूम पड़ ही रहा है, जैसे ए गर्ल, ए मैप, ए चेयर, ए टीचर, इनका सबका यूज क्या करेंगे, या हम ए का यूज करते हैं। सभी समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ए का यूज़ तो आपको जानते हैं, ए बुक हो गया, ए नोटबुक हो गया, या कॉपी हो गया, ए टेबल, ए चेयर, ये तो सिंपल है, दिस इज सिंपल। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारा, जैसे यूनिवर्सिटी आ गया, और यूनिवर्सिटी आ गया कि मोहन रीड,
इन मोर रीड इन, अगले दे दिया ए एन द, अगले दे दिया उन्होंने यूनिवर्सिटी। अब आप चक्कर में मुड़ने, सर जी ने कहा था बहुविल है, बहुविल के साथ एन लगेगा, तो आपने डायरेक्ट एन वर्ड देते, नहीं यू की आवाज करने वाले शब्द हिंदी में ए का यूज करते, तो क्या ए यूनिवर्सिटी आएगा। अंडरस्टैंड? ठीक। नेक्स्ट, बी यूज एन बिफोर वर्ड बिगनिंग विद ए बहुविल लेटर। अब हम बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर हम एन का यूज तो करते ही करते हैं, जैसे एक सिंपल शब्द है ऑरेंज, आप एन का यूज कर देंगे, एप्पल, एग। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पहले स्टार्टिंग का जो पहला अक्षर होता है वो हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है, लेकिन वो साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट रहता है, उसकी आवाज़ ही नहीं आती है, तो ऐसी जगह हम एन का यूज करते हैं। सेकंड वर्ड इज यूज ऑफ बॉविल, सेकंड वर्ड जो है क्या होता है, बॉविल होता है, फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट्स होता है, लेकिन कुछ ही वर्ड्स होते हैं ऐसे जो आवाज़ किसकी कर रहे हैं, बॉविल की कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट उसमें साइलेंट हो गए। जैसे एज एग्जाम्पल हॉनेस्ट, हॉनेस्ट एच की आवाज़ नहीं आ रही है, ओ की आवाज़ आ रही है, ऑनेस्ट। ओवर, ओवर घंटा, एन ओवर, ओ की आवाज़ आ रही है, तो ऐसी जगह और नेविल, एच की नहीं ओ की आवाज़ आ रही है, और नेविल होता है, ओवर नेविल, एच ओ। तो क्या होता है हमारा, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं हमारे, हॉनेस्ट, ऑनर, ऑनेविल। तो ऐसे वर्ड्स कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम एक, हम क्या करते हैं एन का यूज करते हैं, बल्कि क्या करेंगे आप ए लगा देंगे, लेकिन नहीं। आईसा, हमने दिया एक एग्जाम्पल आईसा, डैश डैश कर दिया, ए एन द लिख दिया, ए मैन, हॉनेस्ट मैन, आईसा डैश डैश लिख दिया हमने, और अगले लिख दिया हमने हॉनेस्ट मैन, अगले दे दिया ए एन था, लेकिन क्या आएगा यहाँ एन हॉनेस्ट मैन, बल्कि आप क्या करते हैं ए लिखेंगे, क्यों एच लगा हुआ है, नहीं आवाज़ किसकी हो रही है, किसकी आवाज़ हो रही है, ओ की आवाज़ हो रही है, बाउल साउंड ओ है, इसलिए क्या आएगा ए, क्या आएगा यहाँ एन आएगा, एन हॉनेस्ट मैन, ए नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से इसका हम यूज करते हैं, हमने आपको बताया ए का यूज, हमने बताया आपको ए का यूज करेंगे, यहाँ जहाँ ए का यूज करेंगे जैसे यूनिवर्सिटी या कुछ ही वर्ड्स होते हैं ऐसे, सम वर्ड्स आर यूज ऑफ द ए और एन, तो ए और एन ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है, बाकी वर्ड्स जो हैं ए का यूज, जैसे हमने बताया आपको यूज की जो ध्वनि आएगी वहाँ ए आएगा, ऐसी एन कहाँ आएगा जहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट शब्द साइलेंट हो और बॉबल शब्द की ध्वनि हो, तो वहाँ एन आएगा, बाकी तो आप जानते हैं, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एग, है ना, ए टीचर, ए चेयर, ए मैप, ए गर्ल, ए बुक, ए पेन, सब ऐसे यूज करते हैं। अम्ब्रेला है, आ की आवाज़ आ रही है, तो अम्ब्रेला में एन लगाएंगे, आगे आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। अच्छा, यूरोपियन एक वर्ड है, यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन है, यूरोपियन, तो यूरोपियन किसकी आवाज़ आ रही है, यू की आवाज़ आ रही है, यूरोपियन, यू है यूरोपियन, तो वहाँ भी ए आएगा, है ना। ऐसे ही अम्ब्रेला है, एन आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो इस तरह से जो है हम इसका ए और एन का यूज़ कर लेंगे। जैसे आंट है, आंट, ए एन टी, आंट, तो आंट के साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, इंसर्ट एन लगाएंगे, बियर, बी ई ए आर, बियर के साथ बताइए ए लगाएंगे, लॉयन के साथ एल आई ओ एन, ए का यूज करेंगे, हॉनेस्ट मैन अभी मैंने बताया था, एन लगाएंगे, ठीक, वॉल ओ डब्ल्यू एल, एन लगाएंगे, कंप्यूटर ए लगाएंगे, एरोप्लेन एन लगाएंगे, फॉक्स ए लगाएंगे, ठीक। ऐसे मैं कुछ एक्सरसाइज में भी आपसे पूछता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ए और एन, ए और एन का यूज हम कैसे करेंगे, हम एक्सरसाइज पूछे, आई रीड डेड डैश दे दिया स्टोरी एट नाइट, तो क्या लगाएंगे इसमें ए या एन बताइए, आई रीड डेड डेड डैश स्टोरी एट नाइट, क्या आएगा, आई रीड ए स्टोरी एट नाइट, फिर दूसरा सेकेंड डेड डेड डैश दे दिया एलिफेंट इज फैट, तो क्या आएगा ए या एन, एन, एलिफेंट इज फैट। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं आप इसका मतलब, आई एम डैट डैट डैश, फिर हमने दे दिया इंडियन, तो क्या आएगा, आई एम एन इंडियन, गुड, आई एम एन इंडियन, ठीक, आई ईट डैट डैट डैश सैंडविच, शब्द सैंडविच, तो क्या आएगा ए आएगा, आई ईट ए सैंडविच,
अंडरस्टैंड, सभी समझ गए होंगे ए और एन का। नेक्स्ट दिया हमने कि डैश 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 ऑर्चरिच रन फास्ट, ऑर्चरिच ओ एस टी आर आई सी एच, आपने देखा ओ ओ लिखा हुआ है, आपने डायरेक्ट एन लगा देंगे, लगा देंगे ठीक है एन, लेकिन कुछ जगह जो है ए और एन का यूज़ का ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। अगले ही कट ए पीस ऑफ वुड विद एक्स लिखा है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ये समझ गए आप ना सब, ठीक गुड। अब नेक्स्ट आता है हमारा ए एन का यूज, आप समझ गए कि ए कहाँ यूज करेंगे और एन कहाँ यूज करेंगे, केवल दो वर्ड्स का बस याद रखना है कि यू की आवाज़ से जो शुरू होगा हैं हिंदी वर्ड में, चाहे हिंदी इंग्लिश में तो यूनिवर्सिटी आ गया यू से शुरू हो रहा है, लेकिन एन वहाँ ए लगाएंगे क्योंकि यू की आवाज़ आ रही है। और कॉन्सोनेंट्स की जगह जो शब्द अगर कॉन्सोनेंट से लिखा है लेकिन आवाज़ बाउवल की कर रहा है वहाँ एन आएगा, बस इतनी बात याद रखना, बाकी तो ए एन का यूज आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट भी यूज आता है हमारा दी का, तो द इज आल्सो एन आर्टिकल, द भी एक आर्टिकल से ये तो आपको पता है, लेकिन द इज द डेफिनेट आर्टिकल, वी यूज द इज फॉलोइंग, कि दी का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ हम चाहते हैं, आई रीड इन दी स्कूल, दिस इज रॉन्ग, ठीक। तो कहाँ कहाँ यूज करेंगे इसका, अब हम बताते हैं आपका, किसी फेमस रिवर के लिए जैसे द गंगा, द यमुना, द कावेरी, ब्रह्मपुत्र, इनका यूज हम क्या करेंगे, दी का यूज करेंगे। ऐसा नहीं हमारे पास में भखड़ा नदी बह रही है, द भखड़ा रिवर कर दो, गलत गलत हो जाएगा ना, फेमस होना चाहिए, फेमस प्रसिद्ध रिवर होना चाहिए, यदि गंगा इज द होली रिवर, गंगा क्या है, पवित्र नदी है, तो क्या होगा यहाँ द लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं सभी, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र इज द लार्ज रिवर, बड़ी नदी है। तो अब आता है नंबर हमारा नेक्स्ट, जैसे किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट का, कोई नेचुरल कोई थिंग, जैसे द मून, द सन, द स्टार, है नहीं, द सन साइन इन द स्काई, द मून साइन इन द स्काई एट नाइट, इन द नाइट, है ना, किसा चंद्रमा का चमक रहा, रात में चंद्रमा चमक रहा है, सन साइन इन द स्काई, सूर्य आकाश में चमक रहा है, तो सूर्य द सन हो गई, नहीं हो गई, नेचुरल ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्या है फेमस, मून, स्टार, स्टार आर वेरी शाइनिंग इन द स्काई, बहुत चगमगा रहे हैं प्रकाश, तो ऐसे हम बर्ड के क्या करेंगे, हम द का यूज करेंगे। किसी मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ऐसा नहीं कि हम अपने स्कूल के पहले द लगा दें, लेकिन नहीं, फेमस होगा तब लगाएंगे, हर जगह हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द वाइट हॉल इन अमेरिका, अमेरिका में वाइट हॉल है नहीं, और द वाइट हाउस, ऐसी जगह हम दी का यूज़ करेंगे, अंडरस्टैंड। और इस तरह से हम जो भी होगा हम उसका यूज़ करेंगे, जो बड़े बड़े टेम्पल हैं, अयोध्या का जब टेम्पल बनने वाला है, फेमस टेम्पल बनेगा राम मंदिर, तो दी लॉर्ड ऑफ राम टेम्पल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वहाँ भी हम दी का ऐसे यूज करेंगे। तो जहाँ जहाँ हम जिसका यूज है, जो बड़ी बड़ी कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, किसी भी धर्म की हो सकती है, कोई गुरुद्वारा हो सकता है, कोई फेमस होगा कोई भी चीज़, चर्च होगा, कोई भी फेमस चीज़ होगी, उसके पहले हम दी का यूज़ करेंगे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद नेम ऑफ होली बुक के बाद, जैसे कोई होली बुक है, होली बुक में पवित्र किताब, जैसे द रामायण, दी कुरान, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब फेमस होली बुक है नहीं, तो इन बुकों के पहले भी हम द का यूज करेंगे, दी रामायण, दी महाभारत, दी कुरान, दी गीता, बाइबल, बाइबल है नहीं, और दी गुरु गोविंद साहिब होता नहीं है, तो गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये जो पुस्तकें हैं इनके पहले होली बुक्स कहते हैं इन्हें, इनके पहले हम किसका यूज करेंगे, हम द का यूज कर देंगे। जैसे रिया रीड्स, जैसे रिया रीड्स, रिया ने पढ़ी द रामायण, रामायण की किताब पढ़ती है, ऐसे ही हम कोई भी ये वर्ड्स है हम इनका यूज कर देंगे, अंडरस्टैंड। ये आप सब समझ रहे होंगे कि इनका यूज हम किस प्रकार से करेंगे, हम ए एन का यूज हम किस तरह हम इनका यूज हम कर लेंगे, हम इसे ये ध्यान रखेंगे इसे हम कि ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे और दी का यूज कहाँ करेंगे। अब आता है हमारा, हम कुछ आपको कुछ बताते हैं, अब जैसे कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी अमर उजाला, दी दैनिक जागरण, कोई अच्छे अच्छे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम से पहले भी हम दी का यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड। अब आता है हमारा
अब आप बताइए हमें, आपको समझ गए होंगे कहाँ 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 आदि का यूज करेंगे हम, किसी फेमस रिवर, हिल, माउंटेन, इनकी जगह हम, सबके जगह हम, जो बड़े बड़े शहर की जगह हम भी इनका यूज़ कर सकते हैं, कोई पवित्र को यूज़ की जगह। तो अब हम कुछ पूछते हैं आपको, ए और एन और डी का यूज़ कहाँ कहाँ क्या करते हैं। हमने लिखा डैश 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 कर दिया हमने, सन इज ए स्टार, तो क्या आएगा, सन क्या है, ए सन इज अ स्टार, सूर्य क्या है, हैं सूर्य इज ए सन एक सूर्य क्या है, या ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, द सन आएगा, या ए भर दिया किसी ने, दी सन आएगा। अर्थ इज राउंड, दी अर्थ इज राउंड, हैव यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं, द भगवत गीता, या ए भगवत भगवत गीता कर सकते हैं। ऑक्स कैरिड लोड्स, तो क्या आएगा यहाँ, एन ऑक्स कैराइज लोड्स, एक्रोवेट्स हैज कैप ऑन हिज हेड, तो क्या आएगा, एन एक्रोवेट्स हैज कैप ऑन हिज हेड। आई एड डैश डैश कर दिया मैंने, अगले लिख दिया ऑरेंज, एंड फिर डैश कर दिया, फिर लिख दिया मेलोन, तो क्या आएगा, आई एट एंड ऑरेंज एंड ए मेलोन, क्योंकि वहाँ एम लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट्स हो गए हैं, ओ वॉवेल लगा हुआ है, इसलिए एन आ गया। अंडरस्टैंड, सब समझ रहे होंगे इस बात को, सबकी समझ में आ रहा होगा। तो अगले है आई नीड डैश 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 लिख दिया हमने अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या आएगा, आ की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, तो क्या आएगा, एन आएगा, लेकिन यू की आवाज़ आती तो कोई यू वाला वर्ड्स होता, यूनिवर्सिटी होता, यूनियन होता, इस तरह से अगर कोई वर्ड्स होता या यूनिफार्म होता तो हमारा क्या आता, ई आता, लेकिन यहाँ क्या आएगा, एन आएगा, आई नीड एन अम्ब्रेला। डैट डैट डैश यमुना इज अ रिवर, तो क्या आएगा, द यमुना इज अ रिवर। यू आर लेट, वाई डैट डैट डैश, अगले लिखा ओवर, एच ओ यू आर, हमने कहा था ओ की आवाज़ आ रही ओवर, ओवर आ रहा है ओवर, लेकिन एच नहीं आ रहा, एच साइलेंट, इसलिए क्या आएगा, एन आएगा, दिस इज यूज ऑफ एन। तो ए सन इज स्टार, एन अर्थ इज राउंड, हैव यू रीड ए भगवत गीता, एन ऑक्स कैरिज लोड्स, एन एक्रोवेट्स हैज कैप ऑन हिज हेड, आई एट एन ऑरेंज एंड ए मेलोन, आई नीड एन अम्ब्रेला, द यमुना इज द रिवर, यू आर लेट बाई एन ओवर्स। तो इस तरह से बस इसका यूज़ कर लेंगे। अंडरस्टैंड, अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो हम कहाँ ए का यूज कहाँ करेंगे, ए का यूज कहाँ करेंगे कॉन्सोनेंट्स के साथ, एन का यूज कहाँ करेंगे वॉवेल के साथ, और डी का यूज कहाँ करेंगे विशेष पर्सन व्यक्ति या किसी बिल्डिंग के साथ। थैंक थैंक।